हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को। चलिए आइए देखते हैं। उन्होंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे डिस्कशन कर लिया था, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे। चलिए आइए देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कर रहा है। कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। यानी कि क्या करें, आपको आपको दो लीनियर इक्वेशन दे दिया गया है। इन दोनों लीनियर इक्वेशन का क्या कंडीशन दे दिया है, कोई हल नहीं, यानी कि नो सोल्यूशन। क्या कंडीशन है, नो सोल्यूशन। तो आपको क्या करना है, इन्हीं इक्वेशन की सहायता से और इस कंडीशन की सहायता से आपको किसका मान ज्ञात करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको इन दोनों लीनियर इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, यानी कि ब्रज गुणन विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जब सबसे पहला मेरा इक्वेशन है उसको लिखेंगे 3x प्लस y माइनस 1 इक्वल 0। इसका कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से करेंगे। फिर उसी तरीके से इस इक्वेशन को भी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मेरा क्या आएगा, 2k माइनस 1 एक ब्रैकेट में x प्लस ब्रैकेट में k माइनस 1 y माइनस 2k प्लस 1 इक्वल 0। अब इस इक्वेशन का भी कंपेयर किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 3। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a1, यानी कि a1 की वैल्यू क्या आएगी 3, b1 की वैल्यू क्या आएगी 1, c1 की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट कोई नहीं, तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे a2 की वैल्यू क्या है, 2k-1। क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 2k-1 और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है a2, तो a2 की वैल्यू क्या है 2k-1। फिर यहाँ से b2 कंपेयर करेंगे तो k-1 प्लस, सॉरी, c2 की वैल्यू को कंपेयर करेंगे, c2 की वैल्यू क्या है 2k+1 लेकिन माइनस के साथ। ठीक, मैंने क्या कर लिया, वैल्यू को कंपेयर कर लिया। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, कह रहा है कि कोई हल नहीं, यानी कि कंडीशन क्या दे दिया गया है, नो सोल्यूशन का। नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। यानी कहने का मतलब यह है कि जो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, यदि ऐसा कंडीशन मिलता है तो वो क्या पता होता है, नो सोल्यूशन। क्या होता है, नो सोल्यूशन। अब ये नो सोल्यूशन का तो कंडीशन हो गया, अब इन्हीं कंडीशन पे क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। a1 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 2k-1 इक्वल b1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है k-1 नॉट इक्वल c1 की वैल्यू क्या है -1, c2 की वैल्यू क्या है -2k+1। ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, लेकिन देखिए हम फर्स्ट टर्म को आपस में इक्वल सेकेंड टर्म लिख सकते हैं क्या, लेकिन फर्स्ट टर्म का और ये लास्ट टर्म का आपस में इक्वल नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि मेरा क्या है, नॉट इक्वल लगा हुआ है। तो केवल हम कौन सा कंडीशन लेके चलेंगे, केवल फर्स्ट कंडीशन लेके चलेंगे, जो क्या है 3 अपॉन 2k-1 एक ब्रैकेट में इक्वल 1 अपॉन k-1 एक ब्रैकेट में। क्या करेंगे, इस k-1 को इसके पास और 2k-1 को इसके पास भेजेंगे। जो k का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई k-1 में करेंगे तो क्या 3k-1 इक्वल 2k-1
वन, इसको अंदर भेजेंगे तो थ्री के माइनस थ्री इक्वल टू के माइनस वन, के को एक साइड लाएंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड, यानी क्या करेंगे थ्री के और ये टू के आए तो माइनस टू के इक्वल थ्री माइनस वन हो जाएगा। थ्री के में से टू के को माइनस करेंगे वो क्या मिलेगा के, और थ्री में से वन को माइनस करेंगे क्या टू, यानी के की वैल्यू क्या मिल गई टू मिल गई। हमको क्या फाइंड करना था के की वैल्यू। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर यहां से इनके जनरल फॉर्म में दो चर वाली रैखिक समीकरण के जनरल इक्वेशन से मैंने क्या कर लिया कंपेयर कर लिया, ए1 की वैल्यू, बी1 की वैल्यू, सी1 की वैल्यू, इसी तरीके से ए2 की वैल्यू, बी2 की वैल्यू, सी2 की वैल्यू, ये कर लिया। फिर हमको कंडीशन क्या दिया कोई हल नहीं, यानी कि नो सोल्यूशन कंडीशन है, तो जो नो सोल्यूशन कंडीशन क्या करते हैं a1 / a2 equal b1 / b2 not equal c1 / c2, ये कंडीशन फॉलो करते हैं, तो ये किसी कंडीशन पे क्या कर देंगे सारे वैल्यू को पुट कर देंगे, a1 के प्लस में a1 की वैल्यू, a2 के प्लस में a2 की वैल्यू, b1 के प्लस में b1 की वैल्यू, b2 के प्लस में b2 की वैल्यू, c1 के प्लस में c1 की वैल्यू, c2 के प्लस में c2 की वैल्यू, क्या कर लेंगे पुट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, तो ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को आपस में इक्वल लिख के सॉल्व करेंगे, यदि आप चाहे तो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को नॉट इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो हमको k की ऐसी वैल्यू मिलेगी जो मेरा क्या करेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये स्टेप नहीं लेके नहीं चलेंगे। कौन सा स्टेप लेके चलेंगे k / 2k - 1 इक्वल 1 अपॉन के माइनस वन, इन दोनों स्टेप की सहायता से सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू क्या मिलेगी टू मिली हुई। तभी मैं आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके दिखाता हूं, यदि यहाँ पे k की वैल्यू क्या है टू है, यदि a2 के प्लेस पे रखे, देखिए a2 की वैल्यू क्या है टू के माइनस वन, यदि k के प्लेस पे टू रख देते टू टू जब फोर, फोर में से वन माइनस करेंगे क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे k माइनस वन एंड टू माइनस वन कितना जाएगा वन हो जाएगा, फिर इसी तरीके से क्या है टू है तो टू टू या फोर, फोर में वन जुड़ेंगे फाइव, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस फाइव आ जाएगी। अब ये कंडीशन चेक करते हैं, देखिए a1 की वैल्यू क्या है थ्री अपॉन a2 की वैल्यू क्या है थ्री इक्वल b1 की वैल्यू क्या है वन, b2 की वैल्यू क्या है वन, क्या a1 upon a2 equal b1 upon b2 है कि नहीं, क्योंकि 3 1 जा 3 3 1 जा 3 यानी 1 upon 1 equal 1 upon 1, यानी ये कंडीशन मेरा क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। अब not equal c1 upon c2, ये देखिए c1 की वैल्यू कितनी है minus 1 और c2 की वैल्यू कितनी है minus 5, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है नहीं, इसलिए मेरा क्या होंगे ये not equal होंगे। देखिए मैंने क्या किया, मैंने k की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके आपको यह भी दिखा दिया कि यह मेरा क्या कर रहा है नो सोल्यूशन है, कोई भी हल नहीं है, इस कंडीशन क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। कैसे, क्योंकि मैंने k की वैल्यू किसे पुट कर दी और देखा तो वो कंडीशन क्या मिल रहा है a1 / a2 equal b1 / b2 not equal c1 / c2 मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं प्रजगुणन विधि से हल कीजिए, यानी कि क्या करना है, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से और प्रजगुणन विधि से हल करना है, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। हम लोगों ने क्या क्या, ग्राफिकल मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और कौन सी व्रजगुणनखंड विधि पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना देख लिया था, इसलिए हम इस क्वेश्चन केवल क्या कर रहे हैं व्रजगुणन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इन दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो जनरल फॉर्म मेरा 8x + 5y - 9 इक्वल 0, 3x + 2y - 4 इक्वल 0, इसका कंपेयर a1x + b1y + c1 इक्वल 0, a2x + b2y + c2 इक्वल 0, यहां से कंपेयर करेंगे a1 की वैल्यू 8, b1 की वैल्यू 5, c1 की वैल्यू -9, a2 की वैल्यू
वैल्यू 2, सी टू की वैल्यू -4। ये मैंने क्या कर लिया, ए वन बी वन ए टू बी टू सी वन सी टू सारी वैल्यू क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब क्या करना, बीजगणित के लिए बीजगणित विधि में क्या करते हैं, मैंने आपको सिंपल सा ट्रिक बताया था। पहले क्या लिखेंगे, बी सी ए बी, फिर लिखेंगे बी सी ए बी, फिर लिखेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 कर लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 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 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। पहला जो टर्म है मेरा ये x दे देगा, दूसरा टर्म है y दे देगा, और तीसरा टर्म 1/2 दे देगा, हमको ये पता है। अब क्या करेंगे, इसी बेस पे वैल्यू रखेंगे, तो देखेंगे b1 की वैल्यू कितनी है 5, मैं कर लिए 5। फिर बी टू की वैल्यू कितनी है 2, ध्यान क्या रख लिए 2। क्या सी वन, सी वन की वैल्यू कितनी है -9 -9। सी टू की वैल्यू -4 -4। ए वन की वैल्यू कितनी है 8 8। ई टू की वैल्यू कितनी है 3 3। बी वन की वैल्यू कितनी है 5, और बी टू की वैल्यू कितनी है 2। ये मैंने कर लिया, ये पहला टर्म x, दूसरा टर्म y, तीसरा टर्म 1/2। देखिए इस 5 का मल्टीप्लाई करें, पहले लिख लेते हैं x अपॉन, देखिए 5 का मल्टीप्लाई 4 में किया, 5 4 20, माइनस हो गया। 2 का मल्टीप्लाई -9 में करेंगे -18, ये हो गया, ये मेरी किसकी हो गई, x की वैल्यू। सेकंड y अपॉन, y अपॉन क्या है, देखिए इस 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 9 3 27, -27 हो गया, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 4 8 32, यानी मेरी कितनी वैल्यू आ जाएगी -32 हो जाएगा, इक्वल 1/2। ठीक, अब 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 8 2 60, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 3 5 50। अब इनको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, देखिए x अपॉन -20 और ये -- +18, सॉल्व करेंगे तो x अपॉन कितना आ जाएगा 20, यानी कि x अपॉन -2 आ जाएगा, इक्वल इसको y अपॉन, देखिए -27 और ये माइनस और ये माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा +32, यानी y अपॉन कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इक्वल 1, 60 में से 15 जाएगा 1, यानी कि x अपॉन -2 इक्वल y अपॉन 5 इक्वल 1/1। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा x अपॉन -2 को 1/1 के इक्वल रखेंगे, x अपॉन -2 इक्वल 1/1, इसको इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। इसी तरीके इसको भी रखेंगे y अपॉन 5 इक्वल 1/1, इस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर, इस 5 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो y इक्वल कितना आ जाएगा 5, यानी हमको x और y की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या मिल गई 5। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक टू वेरिएबल के जनरल इक्वेशन से मैंने इसके कोएफिशिएंट को कंपेयर किया, a1 b1 c1 की वैल्यू मिली, a2 b2 c2 की वैल्यू मिली, इन सारी वैल्यू को क्या कर लिया, बीजगणित विधि से सॉल्व करना है। तो कंडीशन क्या था, b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2 ये लिख लेना है, उसके बाद इन तीनों का मल्टीप्लाई करना, b1 का मल्टीप्लाई c2 में, b2 का मल्टीप्लाई c1 में, तो किसके अपॉन होगा, x अपॉन होगा, C1 का मल्टीप्लाई A2 में, C2 का मल्टीप्लाई A1 में, किसके अपॉन होगा y के अपॉन होगा, A1 का मल्टीप्लाई B2 में, A2 का मल्टीप्लाई B1 में, किसके अपॉन होगा 1 के अपॉन होगा। इन सारे वैल्यू को रख के आपस में मल्टीप्लाई करके x अपॉन ये, y अपॉन ये, 1 अपॉन ये, यहां से देख रहे हैं -20 + 18 -2, -27 + 32 कितना है 5 हो जाएगा, और 1/16 में से 15 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। यानी अब इस फर्स्ट टर्म का इक्वल इससे कर लिया, और फिर सेकंड टर्म का इससे कर, दोनों एक साथ, तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो आप इसको इसको करके सॉल्व कीजिए, इसको इसको करके सॉल्व कीजिए, सारा क्या होगा सेम होगा। मैंने इसको इसको लिखी तरह सिंपल से x की वैल्यू क्या होगी -2,
इसको इसको लिखे चला वाई वैल्यू कितने ली 5। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।